नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल डेली रोजगार पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो SSC CGL Tier 2 की परीक्षा में उपस्थित होने वाले प्रत्येक कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों फाइनली अब आपकी आंसर की को आउट किया जा चुका है, जिसके पश्चात प्रत्येक कैंडिडेट्स काफ़ी उत्सुकता के साथ CGL Tier 2 के अंतर्गत कट ऑफ मार्क्स की तलाश में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 100% सेफ स्कोर की जानकारी प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो में बताए गए कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आप सभी अपने नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस वर्ष आपका कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो पर बिना स्किप करे अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप सभी अपने स्क्रीन पर शो हो रहे इस टेबल के माध्यम से देख ही सकते होंगे, जहां पर आप सभी के लिए SSC CGL Tier 2 पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस एग्जाम पैटर्न में आप सभी के लिए 3 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप सभी के लिए सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एवं रीजनिंग देखने के लिए मिल जाएगी, सेक्शन 2 में आप सभी के लिए इंग्लिश एवं जनरल अवेयरनेस देखने के लिए मिल जाएगी, और सेक्शन 3 में आप सभी के लिए कंप्यूटर व डाटा एंट्री स्पीच टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, सेक्शन 3 आपका क्वालिफाई रहने वाला है, यानी कि आपके कट ऑफ मार्क्स केवल 4 सब्जेक्ट के आधार पर ही तय किए जाएंगे, जिसमें आप सभी का मैथमेटिकल, रीजनिंग, इंग्लिश एवं जनरल अवेयरनेस सम्मिलित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस वर्ष आप सभी के लिए टोटल 390 में से कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों, यदि हम इसके पश्चात आंसर की के ऊपर चर्चा करें तो आप सभी के लिए बता दें, आंसर की रिलीज होने के पश्चात अधिकतर बच्चों के नंबर घट ही रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आप सभी के लिए बता दें, आंसर की रिलीज होने के पश्चात जो सभी बच्चों की फीडबैक रही है, उसमें से ऐसे कम ही बच्चे हैं जिनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर घट रहे हैं। दोस्तों, यदि हम एवरेज मार्क्स की बात करें तो आप सभी जानते होंगे मैथमेटिकल इस बार डिफिकल्ट रहा था। यदि हम मैथ्स के एवरेज स्कोर की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, बच्चों के अनुसार दी गई फीडबैक के तहत काफ़ी सारे बच्चों के नंबर मैथमेटिकल में 75 से लेकर 80 के बीच बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, एक एवरेज मार्क्स है जो सभी बच्चों ने फीडबैक दी हुई है। दोस्तों, उसके पश्चात यदि हम रीजनिंग की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, रीजनिंग भी आप सभी के लिए इजी टू मॉडरेट देखने के लिए मिल गई थी, क्योंकि रीजनिंग में भी आप सभी ने काफ़ी अच्छा स्कोर प्राप्त किया हुआ है। दोस्तों, इसके एवरेज स्कोर की बात करें तो इसका एवरेज स्कोर 85+ निकल कर आ रहा है, और वहीं इंग्लिश में भी आपने अच्छे नंबर प्राप्त किए हुए, इंग्लिश का एवरेज स्कोर यहाँ पर आप सभी के लिए 110+ देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, GA की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपका एवरेज स्कोर 50+ निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दिया है, एक एवरेज स्कोर है जो आंसर की रिलीज होने के पश्चात बच्चों ने हमको बताया हुआ है। तो यदि आप भी इस एवरेज स्कोर के बीच में है तो आपका यहाँ पर सेफ स्कोर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस वर्ष आप सभी के लिए फाइनल कट ऑफ मार्क्स क्या देखने के लिए मिलने वाला है। आप सभी के लिए बता दें, आंसर की रिलीज होने के पश्चात जो एवरेज मार्क्स निकल कर आ रही है और जो सभी बच्चों ने फीडबैक दे हुई है, और उसके पश्चात यदि हम पिछले वर्षों के डाटा को एनालिसिस करके फाइनल कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो आप सभी अपने स्क्रीन पर शो हो रहे इस टेबल के माध्यम से 4200 ग्रेड पे का कट ऑफ मार्क्स देख सकते होंगे, जिसमें यदि आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी के लिए इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 325+ देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है, आप सभी के लिए फाइनल कट ऑफ मार्क्स में इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, वहीं हम OBC की बात करें तो OBC का कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है, OBC का कट ऑफ मार्क्स भी आप सभी के लिए 320+ देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, वहीं EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 305+ देखने के लिए मिल जाएगा, और SC कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 285+ देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, उसके अलावा यदि हम ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 275+ देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए 4200 ग्रेड पे का कट ऑफ मार्क्स हमने बताया हुआ है, जो कि आप सभी के लिए इतना कट ऑफ मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम 2800 ग्रेड पे की बात करें तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर शो हो रहे यहाँ से देख ही सकते होंगे, जहाँ पर यदि आप UR कैटेगरी से आते हैं तो इसका कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 300 से लेकर 304 के बीच देखने के लिए मिल जाएगा, और OBC कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 300 से लेकर 302 के बीच देखने के लिए मिलने वाला है, और EWS कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 298 से लेकर 300 के बीच देखने के लिए मिल जाएगा, और SC कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 294 से लेकर 298 के बीच देखने के लिए मिलने वाला है, और ST कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 290+ देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके पश्चात यदि हम 2400 ग्रेड पे के कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो आप सभी यहां से देख ही सकते होंगे, क्योंकि 2400 ग्रेड पे में यदि आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 295 से लेकर 298 के बीच देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो इसका कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 290 से लेकर 293 के बीच देखने के लिए मिलने वाला है, और EWS कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 288 से लेकर 291 के बीच देखने के लिए मिल जाएगा, और SC कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 285 से लेकर 290 के बीच देखने के लिए मिलने वाला है।
है और ST कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए 280 से लेकर 285 के बीच देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी अपनी स्क्रीन पर यहां से 2400, 2800 और 4200 ग्रेड पी का कट ऑफ मार्क्स देख सकते होंगे। क्योंकि यह कट ऑफ मार्क्स आप सभी के लिए कैसा लगा आप सभी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आंसर की रिलीज होने के पश्चात आप सभी के नंबर कितने बढ़ रहे हैं आप हमको यह जरूर बताइएगा। क्योंकि इससे दोस्तों हमको एग्जैक्ट डाटा का पता चलेगा कि बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं, उससे हम आपको एक बेहतरीन कट ऑफ मार्क्स की जानकारी प्रदान कर सकेंगे।